हाय एवरीवन, आज बात करते हैं हम कि राहु कुंडली के अगर 8th हाउस में आता है तो क्या फल देता है। एक्चुअली 8th हाउस का संबंध ट्रांसफॉर्मेशन से है। जो भी जीवन का बदलाव है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे डेथ एंड रीबर्थ, जीवन मरण, किसी प्रकार की चेंजिंग, लाइक आपका बाढ़ का आ जाना, सुनामी का आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, बम ब्लास्ट हो जाना, किसी की अचानक से सडनली डेथ हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इन सब चीज़ों का संबंध 8th हाउस से। दूसरा, 8th हाउस का संबंध आपकी बॉडी के सेक्सुअल पार्ट से भी है। 8th हाउस का संबंध आपके हस्बैंड की सेविंग है, अगर आप लेडीज हैं तो आपके हस्बैंड की सेविंग है, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ की सेविंग है और उनकी फैमिली वैल्यू, यानी आपके इन लॉज। राहु क्या है? राहु मींस यूजर, राहु मींस रिसीवर, और राहु कुंडली में जहां बैठता है उससे संबंधित चीजों के लिए राहु बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। ऑब्सेस्ड मींस राहु की जो डिजायर होती है उस घर से संबंधित चीजों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो राहु उस घर से संबंधित चीजों के बारे में जो भी वहाँ की चीज़ें होती है राहु उनको एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफिकेशन का मीन्स ये हुआ कि राहु 8th हाउस में बैठ के बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, लोगों को ज़्यादा अपनी बात शुरू नहीं करते। दूसरा, 8th हाउस का संबंध आपके पार्टनर की सेविंग से भी है। तो अगर आप लेडीज हैं तो आप अपने हस्बैंड कि जो वैल्यू है उसको अचीव करना चाहेंगे, आप जो अपने हस्बैंड की जो सेविंग है उसको अपने हाथ में लेना चाहेंगे, उनकी जो भी फैमिली वैल्यू है आप चाहेंगे कि फैमिली वैल्यू जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। दूसरा, 8th हाउस का संबंध रिलेशन से भी है, सीक्रेट रिलेशन से। तो राहु जब 8th हाउस में आता है तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा सीक्रेट रिलेशन बनाते हैं, बिकॉज राहु का संबंध डिजायर से है। तो 8th हाउस का संबंध जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसका संबंध 8th हाउस है। तो राहु अगर 8th हाउस में आता है तो एक से ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज आपकी बढ़ सकती है, यानी एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं। तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा डिजायरस रहोगे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को 8th हाउस की चीज़ों से प्रिविलेज देने के लिए। आप चाहोगे कि जो अदर्स की जो सेविंग है वो मेरी बन जाए, अदर्स की जो वैल्यू है वो मेरी वैल्यू बन जाए, ठीक है ना, अदर्स की जो गर्लफ्रेंड हो वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, अदर्स की जो वाइफ हो वो मेरी वाइफ बन जाए। तो जो भी चीज़ें अदर्स की हैं, जिनसे भी जो अदर्स लोग हैं जो वैल्यूबल दिखते हैं, वो चीज़ें आपकी हो जाए, तो आप इसमें ज़्यादा डिजायरस रहो। दूसरा, राहु यहाँ से देखता है फिर कुंडली के 12th हाउस को। 12th हाउस का संबंध है आपकी इमेजिनेशन से और आपकी इंट्यूशन पावर से। दूसरा, 12th हाउस का संबंध है सेंचुरी स्पेस से, हॉस्पिटल से, आइसलम से, जेल से और फॉरेन सेटलमेंट से। 12th हाउस आपका ड्रीम है, 12th हाउस आपकी नींद है एंड 12th हाउस आपका बेडरूम है। तो राहु जब 12th हाउस को देखता है तो 12th हाउस की चीज़ों को भी एम्प्लीफिकेशन देता है, यानी यहाँ भी आप कोई ना कोई सीक्रेट तरीके से काम करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप अकेले में रहें, आप चाहें कि आपकी फन जो एक्टिविटीज़ है वो अकेले में हो, आप चाहेंगे मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ लोग मुझे ना छेड़ें और वहाँ जो भी मेरा, आप चाहेंगे कि 12th हाउस से संबंधित चीज़ें होती है जैसे आपका फॉरेन सेटलमेंट हो गया, आपका सेंचुरी स्पेस हो गया, किसी गुरु के सानिध्य में जाना हो गया, स्पिरिचुअल चीज़ों को समझना हो गया। तो राहु का इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा राहु के अंदर डिज़ायर पैदा हो जाती है कि इन चीज़ों को राहु अचीव कर ले। फिर राहु यहाँ से देखता है कुंडली के 2nd हाउस को। 2nd हाउस हो गया आपकी फैमिली वैल्यू, आपकी स्पीच और जो भी आप चीज़ें गैदर करते हैं, यानी जो भी जैसे आप कोई वैल्यूबल चीज़ जो गैदर करते हैं लाइक ज्वेलरी एंड जेम्स एंड जो भी एसेट से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे आपका कोई कोई वैल्यूबल कोई बुक्स हो गई, कोई महंगी बुक हो गई, कोई हिस्टोरिकल बुक्स हो गई, तो
तो जो भी नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल कोई नॉलेज होगी, तो आप इन चीज़ों को गैदर करना चाहोगे, आप इन चीज़ों को इकट्ठा करना चाहोगे, आप चाहेंगे ज़्यादातर ये चीज़ें मेरे पास आ जाएं, ठीक है ना। दूसरा सेकंड हाउस का संबंध आपकी स्पीच से भी है, तो सेकंड हाउस में अगर राहु 8th हाउस बैठा होगा तो सेकंड हाउस में केतु बैठा होगा। केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो लाइफ में कभी ना कभी हो सकता है कि जो आपकी जो फैमिली वैल्यू है या जो आपकी फैमिली सेविंग है वो बर्बाद हो जाए। जो भी आपका जमा पैसा है हो सकता है वो खराब हो जाए, या हो सकता है वो किसी जगह बर्बाद हो जाए। आप उस पैसे को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, या आपके फैमिली वाले उस पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। दूसरा, केतु अगर सेकेंड हाउस में बैठा है तो आपका लगाव ज़्यादातर आपकी फैमिली के साथ नहीं होगा, ना ही फैमिली वाले आपके साथ ज़्यादा लगाव रखें, क्योंकि केतु का संबंध है डिटैचमेंट से, केतु चीज़ों को अलग कर देता है। तो आपको अपनी फैमिली वैल्यू से और अपने फैमिली मेम्बर से आपको अलग कर देगा। तो यहाँ ये हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो और आप ज़्यादा अपनी फैमिली वालों की तरफ अट्रैक्ट हो। हाँ, अर्ली एज में ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप सब एक साथ रहें, एक साथ जॉइंट वेंचर में कुछ ना कुछ करें, लेकिन आगे चल के ये चीज़ें डिटैचमेंट की तरफ बढ़ जाती हैं। और एक चीज़ और मैं कहना भूल गया कि 8th हाउस का संबंध आपके घोस्टली एक्सपीरियंस से भी है, जैसे भूत प्रेत आपने देखा होगा, और आपका तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों का संबंध भी 8th हाउस से है। तो राहु अगर 8th हाउस में आता है तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डिजायरस हो जाता है, ऐसे लोग तांत्रिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे लोग सीक्रेट जितने भी जो जैसे अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं उनके साथ भी इन लोगों का रिलेशन हो सकता है। तो फिर राहु यहाँ से देखता है आपके 4th हाउस को, 4th हाउस हो गया आपका सुख, आपका जिससे भी आप सुख फील करते हैं, जैसे आपका घर और आपका होमलैंड, आपकी मदर और आपके होमलैंड के लोग, ठीक है ना, और आपके घर के अंदर का एरिया और जो भी एग्रीकल्चर लैंड होता है उसका संबंध 4th हाउस से है। तो राहु जब 4th हाउस को देखता है तो 4th हाउस की चीज़ों के लिए डिजायरस हो जाता है। मीन्स आप ये चाहेंगे कि लाइफ में आपका एक अच्छा घर हो, सुकून भरी आपकी ज़िंदगी हो, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ रह सकें, ठीक है ना। और यहाँ हो सकता है कि राहु अपने होमलैंड के लोगों के साथ मिलके या अपना घर दिखा के, अपने घर की वैल्यू दिखा के लोगों के साथ चीट करें, क्योंकि राहु जहाँ भी होता है ना वहाँ की चीज़ों का एम्प्लीफिकेशन देता है। तो यहाँ राहु एम्प्लीफिकेशन देगा अपने घर की वैल्यू को दिखा के, अपना होमलैंड दिखा के, अपना कल्चर दिखा के। दूसरा, राहु 8th हाउस में बैठा है, 8th हाउस का संबंध है हिडन सीक्रेसी से। तो 8th हाउस और 4th हाउस दोनों चीजों के अंदर राहु की एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है। तो जो 8th हाउस की जो सीक्रेसी है वो 4th हाउस में आ जाती है। तो 4th हाउस में अगर राहु है तो इंसान बहुत सीक्रेटिव हो जाता है अपने सुख को लेके। ऐसे इंसान अपने सुख को बनाने के लिए सीक्रेट चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी तंत्र को यूज़ करते हैं, मंत्र को यूज़ करते हैं, सीक्रेट रिलेशन को यूज़ करते हैं, सीक्रेट पावर को यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके राहु 8th हाउस की चीज़ों को एम्प्लीफिकेशन देता है। दूसरा, जैसे राहु 8th हाउस में है तो केतु 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस का संबंध स्पीच से है। केतु जो है वो हेडलेस बॉडी है, यानी जिसका सर नहीं है। तो कई बार यहाँ पर इंसान बहुत ही इन स्पीच बोलता है, बहुत बार बहुत ही गलत तरीके से बात बोलता है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि समझने के लिए सर होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ऐसे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं बड़बड़ 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 बड़बड़, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो उनको क्लियरली समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में मैं क्या बोल रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आज हमने बात करी कि राहु कुंडली के 8th हाउस में क्या फल देता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका राहु आपके हॉरोस्कोप में क्या फल देता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने राहु जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।